हेलो जी, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। ये पहली वीडियो है ऑन अनटिल नेक्स्ट टाइम। इसके अंदर मैं गोवा की एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको बेस्ट ऑफ द बजट के अंदर बेस्ट ऑफ द गोवा देखने को मिलेगा। तो हमने दिल्ली से स्टार्ट करके गोवा की फ़्लाइट ली थी तकरीबन 12,000 पर पर्सन, जिससे हम गोवा पहुँचे। डायरेक्ट फ़्लाइट थी। गोवा पहुंचने के बाद बहुत ही इजीली मैंने एक स्कूटी रेंट करी, बिकॉज गोवा एयरपोर्ट से लेके नॉर्थ गोवा में मेरा स्टे था तकरीबन 40 किलोमीटर रहता है। वहाँ पे हमने जाने के लिए एक स्कूटी रेंट करी, जिसका रेंट सिर्फ़ और सिर्फ 350 रुपये था पर डे। वहाँ पहुँच कर वाया पंजिम सिटी होते हुए भी हमें 1 घंटा लगा, और हम घूमते हुए पहुँचे अपने स्टे। तो आपको मैं दिखाता हूँ आगे, इंजॉय करें। पंजिम से नॉर्थ गोवा जाते हुए यू कम अक्रॉस दिस फ्लाईओवर, एंड ये बहुत कलरफुल था। पंजी वॉज सो कलरफुल बिकॉज ये क्रिसमस का टाइम था जब हम गए थे, एंड लुक एट द व्यू। इसके बाद यहाँ हम गए जो है फूड ट्रक मार्केट ऑफ अंजुना। इट इज़ नियर टू अंजुना बीच, एंड वी ट्राइड रैप्स एंड बर्गर्स देयर विच वॉज सो यम। एंड इसके बाद हम गए अपने हॉस्टल विच वॉज शालोम बैकपैकर्स, एंड हमने रेस्ट किया वहाँ पे फॉर द नाइट। एंड अगले दिन गए हम अंजना बीच पे। तो हम आ गए हैं देखो अंजना बीच पे। वेलकम टू गोवा। सुबह का टाइम था बट बीच पे बहुत भीड़ थी, सो हमने थोड़ी देर चिल किया, एंड देन वी वेंट टू दिस प्लेस कॉल्ड एज बर्गर फैक्ट्री, क्योंकि वहाँ के बर्गर्स बहुत फेमस है और हमें बहुत पसंद भी हैं, एंड वी हैड टू ट्राई देम अगेन। और ये अंजुना से उधर से रोड आ रही है और हम आ गए हैं बर्गर फैक्ट्री। ये पार्किंग है और आगे चलते हैं। गुड प्लेस टू शॉप फॉर। और हम आ गए हैं बर्गर फैक्ट्री। सामने बहुत प्यारी एक जगह जहाँ से हमने लास्ट टाइम अपने रूम के लिए एक बहुत प्यारा सा डेकोरेटिव पीस लिया था, बर्गर फैक्ट्री। लेट्स गो इन। वेलकम टू बर्गर फैक्ट्री। दिस इज द एम्बियंस, एंड हियर इज द मेन्यू। ये आ गया है हमारा ऑर्डर, देख रहे हो। द प्रिपरेशन हेयर इज वेरी गुड, वेरी गुड। चिप्स इनके नेचुरल हैं। सी द मेयोनीज, बिल्कुल ऑथेंटिक। एंड द बर्गर, द साइज ऑफ द बर्गर, मैं कह रहा हूँ आपको पूरे इंडिया में ऐसा बर्गर नहीं मिलेगा। आई कैन मेक श्योर, लेट्स ट्राई आउट एंड सी। इसके अंदर पैटी, अनियन, चीज, सो गुड। यहाँ के चिप्स विद द डिप, सो ऑथेंटिक, सो गुड। सी द लेयरिंग, मैं अगर आपको दिखाऊं, दिस बर्गर इज होलसम ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। कैरेमलाइज अनियन है, सैलेड है, बीटरूट है, एंड द बेस्ट पार्ट इज द पैटी ऑफ बीफ। एंड सी हर एंजॉयिंग द सोलफुल मील, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस एट बर्गर फैक्ट्री। बहुत ही बढ़िया था, एज यू कैन सी बहुत ही भीड़ भाड़ है और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। यू कैन ट्राई, मजा आएगा, यू कैन कम हियर।
सुना के मस्त से आपको वाइन शॉप में लेके आया हूँ। और यहाँ पे देखो क्या क्या मिलता है, इफ आई विल शो यू हेम्प लागर, कोई शौकीन हो तो। बाकी तो ये देखो गाइस यहाँ की वाइन शॉप, रेयर टू फाइंड, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे हर तरह की। लेट्स बाय समथिंग फॉर अस। तो मैंने ली है डिस्को पांडा स्ट्रॉन्ग क्राफ्ट, पर यहाँ आ जाने की जरूर ट्राई करना। पीपल्स बीयर, बहुत लोकल बियर है और बहुत अच्छी है। एंड आवर फेवरेट किंग्स। सो गाइस लेट मी शो यू माय स्टे। तो हम आ गए हैं अंजुना वेस्टर्न होटल, वेस्टर्न देख सकते हैं आप, बट मैं यहाँ नहीं रह रहा, हम इसके बिल्कुल सामने वेस्टर्न के सामने हिल रोड। अगर आप लोगों ने सुना हो हिल टॉप गोवा, हिल टॉप गोवा से ऊपर तो भाई साहब रेव पार्टी कोई नहीं करता, वो इधर है हिल टॉप और बिल्कुल इसके सामने हम रह रहे हैं शलोम, शलोम हॉस्टल। आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा इसके बारे में। ये रहा देखिए यहाँ पे हम लगाते हैं पार्किंग। ये बिल्कुल एक आईवी होटल है, उसके पीछे ये देखिए ये मेरा स्टे है, अभी आपको दिखा। सो हियर इज द स्टे। ये रहा रिसेप्शन, ये रहा यहाँ का पूल। लेट मी टेक यू टू द रूम। हमारा रूम है फर्स्ट फ्लोर जहाँ पे सारे रूम्स हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ हमारा रूम। ये देखिए पूल, अभी ये कंस्ट्रक्शन चल रही है तो पूल इज नॉट इन सर्विस। लेट्स सी, सॉरी अबाउट द फ्लिकर। ये है हमारा रूम। सो गाइस जैसे मैंने आपको बहुत अच्छा एक वाइन शॉप दिखाई, तो वहां से मैं दो चीज लाया, एक नहीं, मैंने वहां पे एक खरीदी, फिर मैंने एक चीज और ली, मेरे को दिख गई निकलते हुए, तो वो मुझे ट्राई करनी थी, तो मैं आपको बताता हूँ उस कैसी है। सो द फर्स्ट थिंग इज हेयर, एक है गोवा की लोकल डीकरा रसबरी बियर। आई सो वॉन्ट यू ट्राई दिस, ये बहुत टाइम से मेरा मन था इसे ट्राई करने का। प्लस जैसे मैंने दिखाया डिस्को पांडा, ये यहाँ की ब्रो कोड है, तो लेट्स ट्राई दीज आउट और मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले ट्राई करेंगे हम रसबरी बियर, लेट मी टेस्ट कैसी है। नहीं अच्छी, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जैसी मैंने सोची थी वैसी बिल्कुल नहीं है। रसबरी का मुझे कोई फ्लेवर नहीं दिखा, एंड ठीक है इसके अंदर अल्कोहल है 4.5%, सो विच इज ओके, बियर वाला अल्कोहल है, बट ठीक है, नॉट सो गुड, आई विल नॉट से इवन बैड, लेट्स ट्राई अदर वन। हाँ जी, तो हम आ गए अपने हॉस्टल के टॉप फ्लोर पे, जहाँ पे मैं आपको डिस्को पांडा का रिव्यू दूंगा। साथ ही में हम खा रहे हैं बर्गर फैक्ट्री से बचा हुआ बर्गर, हमने एक खाया था बहुत हैवी बर्गर था, सो लेट्स ट्राई दिस आउट नाउ। वाओ, दिस इज समथिंग रियली गुड। ये टेस्ट में ब्रो कोड से बेटर है, इट्स जस्ट लाइक ब्रो कोड। अगर आप इसको देखो, इसमें 15% अल्कोहल है और ये एक्चुअली में बहुत अच्छी है। साथ में मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ पे, ये हमारी मैडम खाते हुए, ये हमारे अपर डेक का व्यू है हॉस्टल का। हाँ जी, तो फिर दोनों में मैं इसको ज़्यादा नंबर दूंगा, ये ज़्यादा अच्छी है, आप ट्राई करो। बाकी हम मिलेंगे शाम को, बाय बाय। Check the vibe of Romeo Lane. Woo! सो अंजुना से वैकटॉर जाते हुए वी केम अक्रॉस दिस रियली गुड प्लेस, जहाँ पे एक बंदा मोमोज बेच रहा था। दो ये बहुत छोटा सा स्पॉट था, बट हमें मोमोज की क्रेविंग हुई एंड वी एन्जॉयड हिज मोमोज, बहुत अच्छे मोमोज थे एज़ कम्पेयर टू दिल्ली। एंड देन वी हेडेड टू वैकटॉर बीच।
तो वेगेटोर बीच से घूमते घूमते हम आ गए सोल कड़ी अंजना में, जो कि फेमस है अपने सी फूड के लिए। यहाँ का एम्बियंस इज सो गोवन, सो ऑथेंटिक, सो गुड। यहाँ पे हमने लिया फिश एंड चिप्स, विच वॉज एट अ वेरी गुड प्राइस, जिसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। साथ में मैंने पी कैशू फेनी, जो कि बहुत ही रीजनेबल चार्जेस पे थी। और इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा डे वन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बहुत ही जल्दी आपके सामने आने वाली हमारी आगे की वीडियोस फॉर गोवा, मुंबई एंड मेनी मोर। सी यू लेटर, अंटिल नेक्स्ट टाइम।